हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6। हमने पिछले लेक्चर तक क्वेश्चन 6 के कुछ एग्जांपल्स वहाँ पे सॉल्व किए थे, जो कि डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पे डिपेंड थे। इनवर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव हम लोग फाइंड कर रहे हैं। अभी जो क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसको हमने ऑलरेडी यूजिंग सब्स्टिट्यूशन 2 बार सॉल्व किया है। हमने पहली बार लिया था एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस थीटा और दूसरी बार लिया था एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 थीटा। सो दो बार हम उसको सॉल्व कर चुके हैं, अभी तीसरी मेथड से हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। अगर कोई बच्चा है उसको सब्स्टिट्यूशन लेने की आइडिया नहीं है, सब्स्टिट्यूशन क्या है पता नहीं है और इसको सॉल्व करना है विदाउट सब्स्टिट्यूशन, मतलब डायरेक्टली, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको हमें देखना है। चलिए हम उसको सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले गिवन, लेट्स टेक, और यू कैन से गिवन द फंक्शन y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये जो फंक्शन आपको गिवन है, इसको हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है दो टाइप से, अभी ये थर्ड टाइप है, ठीक है ना। सो एक ही एग्जांपल रहेगा, अलग अलग तरीके से हमें सॉल्व करते आना चाहिए, अलग अलग मेथड्स का यूज़ हमें करते आना चाहिए, इसीलिए हमको बहुत ज़्यादा कमांड मिलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्टडी भी करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ईजिली, अभी देखो तीन मेथड से हमने सॉल्व किया हुआ एग्जाम्पल, जो सबसे शॉर्ट में आंसर देता होगा उसको हम फॉलो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए फिर डायरेक्टली हम इसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी विल गेट डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू, अभी साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। क्या किया हमने? हमने कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। सो साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमने लिया, बिकॉज ये फंक्शन आया हुआ है इंस्टेड ऑफ एक्स, वेरिएबल की जगह पे सेपरेट फंक्शन है वहाँ पे। सो साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स था, सो उसका डेरिवेटिव हमने लिया 1 अपॉन रूट 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। कुछ भी नहीं किया है, जस्ट हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट का यूज़ करके डेरिवेटिव वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, अभी इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है भाई, इसका डेरिवेटिव आएगा रूट एक्स, फंक्शन का टाइप कौन सा है? रूट एक्स का टाइप है, यहाँ पे रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स है, एक्स की जगह पे एक अलग फंक्शन आया हुआ है, सो रूट एफ ऑफ एक्स रहेगा। सो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू, अगेन कंपोजिट पार्ट है, सो डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव उसको मल्टीप्लाई कर दिया। सो डेरिवेटिव ठीक से लिखेंगे हम, डिवाइड बाय डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ, हाँ देखिए 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, अभी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर में ट्रांसफर हो जाएगा, सो रूट 2 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, यहाँ पे 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया ट्वाइस एक्स, सो यहाँ पे 2 विल गेट कैंसिल, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा उसको, सो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में क्या बचा है? रूट टू इंटू एक्स, सो रूट टू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई, ये ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 2 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 2 इंटू 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ये तो न्यूमरेटर में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे कैसे कर दिया हमने? देखिए यहाँ पे 2 था
ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, सो 2 माइनस 1 हो गया, ये माइनस 1, सो ब्रैकेट सॉल्व किया, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, सो माइनस एक्स स्क्वायर, और सर्स के रूल्स में हमने देखा था वहाँ पे रूट ऑफ ए अपॉन बी इज रूट ए अपॉन रूट बी, इस रूल का हमने यूज कर दिया वहाँ पे, सर्स सेपरेट कर दिया दोनों चीज़ों को, दोनों टर्म्स को, ठीक है। सो उसको सॉल्व करेंगे थोड़ी से, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये रूट टू इंटू एक्स, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, फिर से न्यूमिनेटर में ट्रांसफर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रूट टू इंटू रूट टू विल बी 2, सो डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x अपॉन, ये 2 आ गया, इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन हमें पता है रूल सर्स, रूल्स ऑफ सर्स, रूट ए इंटू रूट बी इज रूट ऑफ ए अपॉन बी, इस रूल का हमने वहाँ पे यूज कर दिया, टू टू विल गेट कैंसल अगेन, सो व्हाट विल बी डिवाइड बाई डी एक्स, यूअर डिवाइड बाई डी एक्स इज एक्स अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो द आंसर विल बी डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन, यस इट इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स रेस टू 4। सो हमने क्या किया, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन का यूज़ नहीं किया हमने, हमने डायरेक्टली कंपोजिट फंक्शन का रूल यूज़ कर दिया, सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे, तो हमें आंसर मिला डिवाइड बाई डी एक्स इज एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स रेस टू 4। आप चेक कर लीजिए, दोनों तीनों मेथड से चेक कर लीजिए, हमने कल सॉल्व किया था लास्ट लेक्चर में, जो कि आंसर था यही आंसर हमें मिला था वहाँ पे भी, इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ये x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स रेस टू 4 है। सो एक ही एग्जांपल को अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो हम बहुत सारे मेथड्स से एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग एंड एज पर आवर सिंप्लीफिकेशन पावर हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सो डरने की जरूरत नहीं है, खाली हमें स्टडी करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ठीक से और अलग अलग मेथड से खास करके शॉर्ट टर्म्स में उसका आंसर आप फाइंड कर सकते हो, कम से कम टाइम में आप एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आप इसका नोट बना लीजिए आपके नोटबुक में। चलिए हम हमारा क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज का। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर, सो सबसे पहले इसको y मान लेंगे, y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ ई रेस टू एक्स स्क्वायर। हमें पता है कॉट इनवर्स ऑफ कॉट यूजिंग आवर स्टैंडर्ड रिजल्ट दैट गोज टू डायरेक्टली ई रेस टू एक्स स्क्वायर, कंपोजिट फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, सो एक्स स्क्वायर, सो डिफरेंशिएट डायरेक्टली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी विल गेट डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, अभी ई रेस टू एफ ऑफ एक्स का डेरेवेटिव ई रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू डेरेवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो क्या मिल जाएगा हमें, हमें मिल जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यस एक्स स्क्वायर का डेरेवेटिव आएगा ट्वाइस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका डेरेवेटिव। नेक्स्ट सम लेंगे हम वहाँ पे, कोसेक इनवर्स ऑफ सेकेंड वन, कोसेक इनवर्स ऑफ वन अपॉन कॉस ऑफ फाइव रेस टू एक्स, ठीक है, चलिए उसको सॉल्व करेंगे। लेट वाई इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ वन अपॉन कॉस ऑफ फाइव रेस टू एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ वन अपॉन कॉस, देखिए बाहर कोसेक इनवर्स है, सो हर एक एग्जांपल में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर होगा तो हर एक एग्जांपल में आपको एक एंगल से उसको देखना है, कौन से एंगल से, उसके बाहर अगर साइन इनवर्स है तो ब्रैकेट में आपको साइन मिलना चाहिए, अगर ब्रैकेट के बाहर टैन इनवर्स है तो आप अंदर टैन कैसे ला सकते हो इसके बारे में सोचना चाहिए, अगर बाहर कोसेक इनवर्स है तो हमें यहाँ पे भी कोसेक इनवर्स को क्रिएट करना है यूजिंग सम सिंप्लीफिकेशन इन ट्रिग्नोमेट्री और सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है ना। हमारे पास मेथड्स अवेलेबल है, खाली हमें सोचने की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना अच्छे से हम वहाँ पे सॉल्व कर सकेंगे। देखिए अभी वन अपॉन कॉस तो हो जाता है, हमें पता है इट इज़ कोसेक इनवर्स ऑफ सेक ऑफ फाइव रेज टू एक्स, ठीक है,
क्या कर दिया हमने, वन अपॉन कॉस को हमने सेक कर दिया। अभी सेक को कोसेक के फॉर्म में लाना हमें पता है, कैसे लाते हैं हम लोग, कोसेक इनवर्स ऑफ यस कोसेक ऑफ पाई बाय टू माइनस फाइव रेस टू एक्स यूजिंग अलर्ट एंगल्स। हमने रिजल्ट भी लिखे थे, हमने रिजल्ट भी लिखे थे, कोसेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा दैट वॉज पाई बाय टू माइनस थीटा, ठीक है ना। कोसेक इनवर्स ऑफ सेक थीटा अगर आएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ सेक, तो उसका डायरेक्टली एंगल क्या बचता है वहाँ पे, पाई बाय टू माइनस फाइव रेस टू एक्स एंगल बचेगा। सो वाई इज इक्वल्स टू पाई बाय टू माइनस फाइव रेस टू एक्स, बहुत सिंपल हो गया, फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे ना भाई। सो क्या मिल जाएगा हमें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू का डेरेवेटिव जीरो हो जाएगा माइनस फाइव रेस टू एक्स का डेरेवेटिव फाइव रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ फाइव एंड दैट्स योर आंसर। बहुत ईजी है, ठीक है ना, क्योंकि कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक इनवर्स फंक्शन और उसका फंक्शन और उसका इनवर्स दोनों एक साथ आ गए तो वो एक दूसरे को वैनिश कर देंगे वहाँ पे, तो बच जाएगा पाई बाय टू माइनस फाइव रेस टू एक्स। इसका डेरिवेटिव अगर लेंगे तो पाई बाय टू का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा माइनस एज इट इज फाइव रेस टू एक्स का डेरिवेटिव फाइव रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ फाइव, दैट इज अवर आंसर, ठीक है। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे वहाँ पे, कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ वन प्लस कॉस एक्स अपॉन टू। चलिए इसको भी सॉल्व कर देंगे, लेट वाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ वन प्लस कॉस एक्स अपॉन टू। एक चीज आपको याद रखनी है, डबल एंगल फॉर्मूला में हमने पढ़ा था वन माइनस कॉस टू थीटा इट इज टू साइन स्क्वायर थीटा एंड वन प्लस कॉस ऑफ टू थीटा इट इज टू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। वन माइनस कॉस अगर आएगा तो टू साइन स्क्वायर कन्फर्म, आँख बंद करके लिख सकते हो आप, आँख बंद करके लिख सकते हो, क्या है वन माइनस कॉस अगर आएगा तो टू साइन स्क्वायर फिक्स है, एंगल का हाफ हो जाएगा, टू थीटा का हाफ थीटा हो जाएगा। यहाँ पे फोर थीटा आता तो यहाँ पे हमने टू थीटा लिखा होता, यहाँ पे एट थीटा आता तो यहाँ पे हमने फोर थीटा लिखा होता, यहाँ पे थ्री थीटा आएगा तो हमने यहाँ पे थ्री थीटा अपॉन टू लिखना होता है, ठीक है, एंगल का हाफ हो जाएगा। अगर वन प्लस कॉस आया तो टू कॉस स्क्वायर होता है, ये रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे, हमने इनके प्रूफ्स ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड में देखे थे, इलेवंथ के चैप्टर पेपर फर्स्ट में, चैप्टर सेकेंड जो था हमारा ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड, उसमें हमने ये सभी रिजल्ट को देखा था, ठीक है ना। वन प्लस कॉस आएगा तो टू कॉस स्क्वायर फिक्स, एंगल का हाफ हो जाएगा। सो यहाँ पे वन प्लस कॉस ही है, सो क्या लिख सकते हैं हम उसको, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ वन प्लस कॉस इज टू कॉस स्क्वायर एंड हाफ ऑफ द एंगल डिवाइडेड बाय टू। यहाँ पे टू टू विल गेट कैंसल, क्या बचेगा वहाँ पे, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। कॉस इनवर्स ऑफ रूट कॉस स्क्वायर है, रूट से बाहर अगर आएगा तो वो हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू। ये स्क्वायर में, स्क्वायर रूट में स्क्वायर है ना, स्क्वायर ऑफ रूट, तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल गेट कैंसल, कॉस एक्स बाई टू विल बी रिमेनिंग देयर। सो वाई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन टू, इफ वी डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या कर देंगे उसको, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, सो क्या मिल जाएगा डेरिवेटिव हमें, डेरिवेटिव मिल जाएगा वन बाय टू, डेरिवेटिव मिल जाएगा वन बाय टू। सो आपको वो भी आंसर लिख लेना है वहाँ पे, ठीक है, इन सभी रिजल्ट्स के, सभी सम्स के नोट्स आप आपके नोटबुक में बना लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा, टैन इनवर्स ऑफ वन माइनस टैन ऑफ एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टैन ऑफ एक्स बाई टू। चलिए उसको भी सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पे दो टाइप्स के रिजल्ट देखे हुए हैं, देखिए मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता हूँ आपको। हमने एक रिजल्ट देखा था टैन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई, इट इज टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स ऑफ वाई, ये तो फर्स्ट रिजल्ट था, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जब हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लिखे, सबसे लास्ट में हमने ये रिजल्ट लिखा था, ठीक है ना, ये एक रिजल्ट हो गया। और दूसरा रिजल्ट है टैन इनवर्स ऑफ पाई बाय फोर माइनस एक्स, किस टैन इनवर्स ऑफ ए माइनस बी, ठीक है ना, टैन इनवर्स ऑफ ए माइनस, सॉरी
tan inverse of x minus y is equals to tan inverse of x plus tan inverse of y. और एक रिजल्ट हमने लिखा था, आपको अगर पता होगा, tan of pi by 4 minus x by 2. कैसे लिखेंगे इसको? इसको लिख सकते हैं tan of pi by 4 minus tan of x by 2 upon 1 plus tan pi by 4 into tan x by 2. tan a minus b का रिजल्ट अगर हम इसको यूज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? tan pi by 4 का वैल्यू होता है 1 minus tan x by 2 upon 1 plus 1 into tan, that is tan x by 2. सही बात है. मतलब ये जो टर्म है 1 minus tan x by 2 upon 1 plus tan x by 2, ये tan pi by 4 minus x by 2 है. एक चीज हो गई, ठीक है. चलिए हम इसको दोनों टाइप से सॉल्व करेंगे. सो y कैन बी रिटर्न एज tan इनवर्स ऑफ, ये 1 को लिखेंगे हम tan pi by 4 minus tan x by 2 upon 1 plus tan pi by 4 into tan of x by 2. ये pi by 4 क्या मतलब, क्या ये tan pi by 4? ये pi by 4 means 45 degrees और tan 45 is 1. यहाँ पे tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. So y is equals to tan inverse of tan of pi by 4 minus x by 2. फिर आ गया tan inverse of tan. So directly it will become pi by 4 minus x by 2. If we take derivative of this function, what we will get? We will get dy by dx equals to 0 minus 1 by 2. So the derivative will be, it is minus 1 by 2. देखिए, इतना बड़ा लगता है एग्जाम्पल जब हम देखते हैं, लेकिन जब उसको सॉल्व कर देंगे तो बहुत ईजी हो जाता है. उसका आंसर आ गया माइनस पाई बाई टू. हमने ये रूल वहाँ पे यूज़ कर दिया, ठीक है ना. अभी इसका रूल, ये रूल का यूज़ करेंगे फर्स्ट जो है वो, ठीक है ना, उसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पे. और उसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. और लेट y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan ऑफ x बाई 2. ठीक है, वी नो दैट, हमें पता है, हमें पता है tan inverse of x minus y upon 1 plus xy is tan inverse x minus tan inverse y, and therefore y can be written as tan inverse of 1 minus tan inverse of tan of x by 2. क्या कर दिया हमने यहाँ पे? tan inverse of x minus tan inverse of y, बस tan inverse of x minus tan inverse of y, इस रूल का हमने यहाँ पे यूज कर दिया. सो क्या हो गया, ये हो गया पाई बाय 4 माइनस टेन इनवर्स एंड टेन विल गेट वैनिश्ड. सो टेन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, ओनली पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 वहाँ पे बच गया. सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा हमें डेरिवेटिव इसका? इसका भी डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा? 0 माइनस 1 बाई 2. सो डेरिवेटिव विल बी माइनस 1 बाई 2. आपको समझ में आया होगा. जितना ज़्यादा आप अच्छे से रिजल्ट्स को याद करेंगे, जितना ज़्यादा आप रिजल्ट्स को ठीक से बाय हर्ट याद करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना इजीली आप एग्जांपल्स वहाँ पे सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, इसका भी नोट आप बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. नेक्स्ट सम लेंगे हम कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 4 कॉस क्यूब ऑफ 2x माइनस 3 कॉस 2x. सबसे पहली बात, जो ब्रैकेट वहाँ पे दिया हुआ है, उस ब्रैकेट में कॉस फंक्शन का एंगल जो है वो 2x है, ठीक है ना. ये ट्वाइस x है, उसका एंगल है, ठीक है. उस एंगल को हमें वहाँ पे याद रखना है ठीक से, ठीक है. चलिए सबसे पहले तो उसको y मान लेंगे. y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 4 कॉस क्यूब 2x माइनस 3 कॉस 2x. देखिए, हमने डबल एंगल फार्मूले देखे, सॉरी ट्रिपल एंगल फार्मूले देखे थे. साइन ऑफ 3 थीटा, इट इज़ 3 साइन थीटा, सॉरी साइन 3 थीटा हम माइनस 4 साइन क्यूब ऑफ थीटा. व्हाट अबाउट कॉस ऑफ 3 थीटा? इट इज़ 4 इंटू कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 इंटू कॉस थीटा. सही बात है.
फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा. सो फोर कॉस क्यूब टू एक्स माइनस थ्री कॉस टू एक्स, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा. क्या है ये कॉस ऑफ थ्री थीटा है. इसका मतलब वाई इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ वन अपॉन कॉस ऑफ थ्री इंटू टू एक्स. थीटा मैंने पहले ही बोला था आपको, थीटा मतलब उसका एंगल, वो जो है वो 2x है, ठीक है ना. सो y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ सेक 6x, 3 इंटू टू इज 6. अभी सेक आ गया सो क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स ऑफ यस कोसेक ऑफ पाई बाई टू माइनस 6x. कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक विल गेट कैंसल डायरेक्टली, वी कैन राइट पाई बाई टू माइनस 6x. अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिल जाएगा हमें, dy by dx इक्वल टू जीरो माइनस सिक्स इज द कॉन्स्टेंट, x का डेरिवेटिव 1. सो dy by dx इज इक्वल्स टू माइनस 6. दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट tan इनवर्स ऑफ cos 1 प्लस, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स बाय थ्री अपॉन साइन एक्स बाय थ्री. देखिए बहुत इजी एग्जांपल है, बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा उसमें आपको सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है. यहाँ पे हमने फिर से एक बार 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाय टू, एंड साइन थीटा कैन बी रिटन एज 2 इंटू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई टू. ये दो रिजल्ट्स का यूज़ हमें वहाँ पे करना है. हमने ये देखा था हाफ एंगल फार्मूली में, फिर से वही चैप्टर नंबर सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड जो था उसमें, पेपर फर्स्ट का चैप्टर सेकेंड जो था इलेवंथ का, उसमें हमने ये हाफ एंगल फार्मूली देखे थे. दोनों का यूज़ यहाँ पे करना है हमें. देखिए लेट y इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स बाई थ्री अपॉन साइन ऑफ एक्स बाई थ्री. अभी 1 प्लस कॉस आ गया तो 2 कॉस स्क्वायर फिक्स है भाई. y इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई थ्री अपॉन 2, ठीक है ना. या तो फिर आप ये ऐसे लिखो, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स बाई थ्री अपॉन 2, ठीक है ना. कॉस एंगल का हाफ हो जाएगा, फुल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा, 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू. सो 2 साइन ऑफ एक्स बाई थ्री अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई थ्री अपॉन 2. देखिए ये रिजल्ट हमने न्यूमरेटर पे यूज़ कर दिया है, ठीक है ना. 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, साइन थीटा 2 साइन ऑफ हाफ थीटा इंटू कॉस ऑफ हाफ थीटा. सो 2 साइन हाफ थीटा कॉस हाफ थीटा, ठीक है. हमने वहाँ पे रिजल्ट्स को यूज़ कर दिया तो क्या मिल जाएगा आपको, देखिए ये 2 विल गेट कैंसिल. कॉस स्क्वायर है यहाँ पे कॉस है, सो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा. क्या बचा है वहाँ पे, वहाँ पे बचा है टैन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाय सिक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स बाय सिक्स. और कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, इट इज़ टैन इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स बाय सिक्स. फिर से tan इनवर्स cot आ गया. सो cot को हमें tan के फॉर्म में लाना होगा. tan इनवर्स ऑफ cot को tan में कैसे लिख सकते हैं, pi by 2 माइनस x by 6. tan इनवर्स ऑफ tan विल बी वैनिश्ड, pi by 2 माइनस x by 6. फिर से बहुत सिंपल एंगल में वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना. सो डिफ्रेंशिएटिंग अगर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, डिवाइड बाई dx, pi by 2 का डेरिवेटिव ये हो जाएगा 0. 1 by 6 कॉन्स्टेंट, x का डेरिवेटिव हो गया 1. सो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज माइनस 1 by 6, दैट्स योर आंसर. ठीक है, इसका मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जो हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं उनको यूटिलाइज कर रहे हैं और एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, इसका भी नोट आप बना लीजिए आपके नोटबुक में. चलिए नेक्स्ट एक एग्जांपल लेंगे हम, टैन इनवर्स ऑफ कॉस 7x अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ 7x. देखिए कॉस अपॉन 1 प्लस साइन है यहाँ पे, ठीक है ना. इसको भी हम दो मेथड से अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं. चलिए सॉल्व करेंगे हम इसको. देखिए
कॉस ऑफ 7x जो है कॉस ऑफ 2 थीटा इट इज कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा मीन्स 7x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 7x बाय 2. कॉस ऑफ थीटा कॉस 2 थीटा इज रिजल्ट क्या है हमारा कॉस 2 थीटा इट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा. यहाँ पे 2 थीटा होगा तो यहाँ पे थीटा हो जाता है, यहाँ पे 7x है तो यहाँ पे 7x अपॉन 2 हो जाएगा. ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे 1 प्लस साइन 7x है, हमें पता है कॉस स्क्वायर ऑफ 7x बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 7x बाय 2 1 हो जाएगा. ठीक है, और साइन 7x कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू साइन ऑफ 7x अपॉन 2 इंटू कॉस ऑफ 7x अपॉन 2. इसका मतलब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ 7x अपॉन 2 प्लस साइन सॉरी कॉस ऑफ 7x अपॉन 2 प्लस साइन 7x अपॉन 2 का ब्रैकेट स्क्वायर. कैसे कर दिया इसको, देखिए साइन का मतलब 2 साइन कॉस हाफ ऑफ द एंगल. सो 1 का वैल्यू हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट से डाल दिया कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा. थीटा 7x बाय 2 ही क्यों लिया, तो यहाँ पे साइन 7x को हमने 2 साइन 7x बाय 2 इंटू कॉस 7x बाय 2, इनके फैक्टर्स जो है वो उसका एंगल जो है वो 7x बाय 2 है. इसीलिए हमने क्या किया यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि 1 का वैल्यू हमने रिप्लेस किया हुआ है इसको हमने आइडेंटिटी यूज़ किया लेकिन उसका एंगल हमने 7x बाय 2 ले लिया. फिर ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर. ये दोनों कन्वर्जेंस हम यहाँ पे यूज़ कर देंगे. सो क्या मिल जाएगा आपको y इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ कॉस स्क्वायर 7x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर 7x बाय 2 डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा कॉस 7x बाय 2 प्लस साइन ऑफ 7x बाय 2 का ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, कुछ नहीं किया है हमने, हमने ये जो रिजल्ट है इसको हमने न्यूमरेटर पे यूज़ कर दिया और ये जो रिजल्ट है इसको हमने डिनोमिनेटर पे यूज़ कर दिया. कुछ नहीं किया, हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री है जो कि उसका डेप्थ है उसको हम पूरे तरीके से यूज़ कर रहे हैं. ठीक है ना, हमारी ट्रिग्नोमेट्री का हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. सो y इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा कॉस 7x बाय 2 माइनस साइन ऑफ 7x बाय 2 इंटू कॉस 7x बाय 2 प्लस साइन ऑफ 7x बाय 2 होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 7x बाय 2 प्लस साइन ऑफ 7x बाय 2 का ब्रैकेट स्क्वायर. न्यूमरेटर पे हमने क्या कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी रिजल्ट यूज कर दिया. यहाँ पे एक ब्रैकेट है यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर है सो एक कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, सो क्या मिल जाएगा वाई इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ कॉस 7x बाय 2 माइनस साइन 7x बाय 2 अपॉन कॉस 7x बाय 2 प्लस साइन 7x बाय 2. दोनों में से अगर हम दोनों को अगर कॉस से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ कॉस 7x बाय 2 से डिवाइड करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस इज टैन 7x बाय 2 अपॉन 1 प्लस टैन 7x बाय 2. क्या किया हमने यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉस 7x बाय 2 से डिवाइड कर दिया. सो कॉस अपॉन कॉस 1 हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा, कॉस अपॉन कॉस 1 हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10 हो जाएगा. सो ये क्या है, ये तो पाई बाय 4 माइनस 7x बाय 2 है. सो y इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ टैन ऑफ पाई बाय 4 माइनस 7x बाय 2 टैन a माइनस टैन b पाई बाय 4 टैन पाई बाय 4 माइनस टैन 7x बाय 2 टैन पाई बाय 4 का वैल्यू 1 होता है हमने पिछले एग्जांपल में देखा था ये चीज़. ठीक है ना, सो टैन इनवर्स ऑफ टैन विल वैनिश्ड. सो y इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस 7x बाय 2 सो डिफ्रेंशिएटिंग अगर कर देंगे सो डिवाइड बाय dx इज इक्वल्स टू माइनस 7 बाय 2. ये हो गया आपका डेरिवेटिव, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया पाई बाय 4 का डेरिवेटिव 0 हो गया माइनस एज इट इज 7 बाय 2 कॉन्स्टेंट है x का डेरिवेटिव 1 हो गया सो माइनस 7 बाय 2 विल बी द आंसर. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम कॉट इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस साइन 4x बाय 3 माइनस रूट 1 माइनस साइन 4x बाय 3 डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस साइन 4x बाय 3 प्लस रूट
वन माइनस साइन फोर एक्स बाय थ्री. सो लेट y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ रूट वन प्लस साइन फोर एक्स बाय थ्री माइनस रूट वन माइनस साइन फोर एक्स बाय थ्री अपॉन रूट वन प्लस साइन फोर एक्स बाय थ्री प्लस रूट वन माइनस साइन फोर एक्स बाय थ्री. ठीक है, अभी हमने क्या करा, सॉरी यहाँ पे न्यूमरेटर में प्लस है डिनोमिनेटर में माइनस है, गलती से मैंने वो गलत लिख दिया था. ठीक है, न्यूमरेटर में प्लस है डिनोमिनेटर में माइनस है. ठीक है, चलिए ये वन प्लस साइन का फिर से यहाँ पे आ गया, वन प्लस साइन ऑफ फोर एक्स बाय थ्री, अगर हम उसको फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ फोर एक्स बाय सिक्स प्लस साइन स्क्वायर ऑफ फोर एक्स फोर एक्स बाय सिक्स प्लस टू साइन ऑफ फोर एक्स बाय सिक्स इंटू कॉस ऑफ फोर एक्स बाय सिक्स. इसका मतलब ये हो जाएगा कॉस फोर एक्स बाय सिक्स प्लस साइन फोर एक्स बाय सिक्स का ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है, और वन माइनस साइन लेंगे तो खाली यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये कॉस ऑफ फोर एक्स बाय सिक्स माइनस साइन फोर एक्स बाय सिक्स का ब्रैकेट स्क्वायर. दोनों वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या मिल जाएगा देखिए आपको, कॉट इनवर्स ऑफ, देखिए रूट ऑफ, ये वन प्लस साइन का वैल्यू हमें पता है, कॉस फोर एक्स बाय सिक्स प्लस साइन फोर एक्स बाय सिक्स का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस अगेन रूट ऑफ कॉस फोर एक्स बाय सिक्स माइनस साइन फोर एक्स बाय सिक्स का ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉस फोर एक्स बाय सिक्स प्लस साइन फोर एक्स बाय सिक्स ब्रैकेट स्क्वायर माइनस अगेन रूट ऑफ कॉस फोर एक्स बाय सिक्स माइनस साइन फोर एक्स बाय सिक्स का ब्रैकेट स्क्वायर. कुछ नहीं किया हमने, हमें पता है वन का वैल्यू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आता है, साइन का वैल्यू टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू, फोर एक्स बाय थ्री अपॉन टू तो फोर एक्स बाय सिक्स हो जाएगा. यहाँ पे भी सेम, वो तो ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा. दोनों वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, अभी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल गेट कैंसिल. सो क्या मिल जाएगा आपको, कॉट इनवर्स ऑफ, देखिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल गेट कैंसिल, we get cos 4x by 6 plus sin 4x by 6 plus यहाँ पे cos 4x by 6 minus sin 4x by 6 whole divided by, yes यहाँ पे भी cos 4x by 6 plus sin 4x by 6 minus ये हो जाएगा cos 4x by 6 minus into minus will be plus साइन फोर एक्स बाय सिक्स. फिर ये साइन फोर एक्स बाय सिक्स माइनस साइन फोर एक्स बाय सिक्स जीरो हो जाएगा, कॉस फोर एक्स बाय सिक्स माइनस कॉस फोर एक्स बाय सिक्स भी जीरो हो जाएगा. सो वाई इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉस फोर एक्स बाय सिक्स प्लस कॉस फोर एक्स बाय सिक्स टू टाइम्स कॉस फोर एक्स बाय सिक्स अपॉन टू टाइम्स साइन फोर एक्स बाय सिक्स, टू टू विल गेट कैंसल. y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ cot 4x बाय 6, cot इनवर्स ऑफ cot विल बी वैनिश्ड, सो y विल बी इक्वल्स टू 4x बाय 6. सो इफ वी टेक द डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिल जाएगा आपको, dy बाय dx इक्वल्स टू 4x बाय 6 है ना, सो 4 बाय 6 इज द कॉन्स्टेंट, x का डेरिवेटिव हो गया 1, सो आंसर विल बी 4 बाय 6. ठीक है, इसका नोट आप बना लीजिए आपके नोटबुक में. और यहाँ पे 4 बाय 6 को हम लिख सकते हैं डिवाइडिंग बाय 2, दैट विल बी 2 बाय 3. ठीक है ना, सो dy बाय dx विल बी 2 बाय 3. देखिए आप आंसर 2 बाय 3 लिखिए या 4 बाय 6 लिखिए, वन एंड द सेम थिंग है, लेकिन यहाँ पे इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 बाय 3 हो जाएगा. ठीक है, नोट बना लीजिए आप इसका.